हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यानी बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र 19 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था, तब से ही दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार ही बाधित होते रही। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में सदन में चल रहे गतिरोध को खत्म करने पर भी विचार किया जा सकता है। पश्चिमी दिल्ली के कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्थानीय लोगों का गुस्सा थमा नहीं है। लगातार तीसरे दिन बुधवार को इस वारदात को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वह परिवार को इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कुछ देर बाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। आज संसद मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का तीसरा दिन है। पैक्सास मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा हुआ है। राज्यसभा में विपक्षी सदनों ने पैक्सास मुद्दे पर नारेबाजी की। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। अभी तक का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रहा। विपक्ष लगातार पैक्सास जासूसी कांड, कृषि कानूनों को लेकर हमलावर है। संसद में पैक्सास जासूसी कांड पर मंगलवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने रुख पर अड़े रहे। संसद में 11 दिनों से सरकार और विपक्ष के बीच विरोध जारी है। कर्नाटक के मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को किया जाएगा। इस क्रम में आज शपथ लेने वाले मंत्रियों की पूरी लिस्ट बसवराज बोम्मई को मिल गई है। मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि हमें आधिकारिक तौर पर मंत्री परिषद की लिस्ट मिल गई है। उनमें उन मंत्रियों के नाम शामिल है जो आज राजभवन में शपथ लेने वाले हैं। ये शपथ ग्रहण 2:15 में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 5 दिवसीय दौरा करेगी। 17 अगस्त से शुरू होने वाले इस दौरे में समिति क्षेत्र के प्रशासन और विकास के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र बलों के कामकाज की स्थितियों की समीक्षा करेगी। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की सियासी आकांक्षा अब पंजाब में भी जाग गई है। सियासत में आने को लेकर किसान संगठनों के निशाने पर आने के बाद भी वो अपनी मुहिम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने और राज्य की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपना नया सियासी संगठन मिशन पंजाब के गठन की भी घोषणा की है। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान देश में 42,625 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 36,600 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है और 562 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान देश में कोरोना के कुल मामले 3,17,69,132 है। इसके अलावा कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 3,09,33,022 है। गौरतलब है कि मंगलवार को देश में 30,549 मामले सामने आए थे और 422 मरीजों की मौत हुई थी। सूबे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन परियोजना में गड़बड़ी सामने आई है। बड़े पैमाने पर गलत उम्र दर्शाकर फर्जी तरीके से करीब 1,88,000 लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में 1,000 और इंदिरा गांधी वृद्ध व्यवस्था पेंशन में 1,87,000 लोग शामिल है। समाज कल्याण विभाग की ओर से आधार कार्ड आधारित जीवन प्रमाण पत्र से मिलान करने पर ये मामला पकड़ा गया है। सूबे में सभी जिलों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर में 4,841 पेंशन जांच के दायरे में हैं। इनमें कांटी, मुशहारी, साहेबागंज, बंदरा, सकरा, कुढ़नी, धोली प्रखंड लाभुक है। टोक्यो ओलंपिक में आज यानी बुधवार 4 अगस्त को 13वें दिन का खेल खेला जा रहा है। इस दिन भारत की शुरुआत शानदार हुई है। भाला फेंका खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में टॉप पर रहते हुए क्वालिफिकेशन राउंड पूरा कर लिया है और फाइनल राउंड में जगह बना ली है। वहीं पहलवान रवि दाहिया और दीपक पूनिया ने भी क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना यानी CPEC के तहत आने वाली कई परियोजनाओं को देरी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पावर सेक्टर की भी
कुछ परियोजनाएं हैं जो महामारी के साथ कई कारणों से बाधित है। इस क्रम में पाकिस्तान के 60 अरब डॉलर की लागत वाली CPEC के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की कोशिश के तहत लेफ्टिनेंट आसिम बाजवा को हटाकर उसकी जगह खालिद मंसूर को प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। दरअसल पाकिस्तान में CPEC की परियोजनाओं की धीमी गति से चीन खुश नहीं है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।